हेलो फ्रेंड्स, सितंबर आधा निकल चुका है और बारिश भी रुक रुक के हो रही है। रात में और सुबह बारिश हुई थी यहाँ पर और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और सितंबर का महीना भी ऐसा होता है कि हमारे गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं। कुछ तो ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हम साल भर इंतज़ार करते हैं, इस सितंबर अक्टूबर के महीने का या फरवरी मार्च के महीने का। तो फरवरी मार्च तो दूर है, अभी सितंबर शुरू हुआ है और हमें इसी समय अपना काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि गार्डन का काम एक दिन में पूरा नहीं होता, धीरे धीरे करना पड़ता है। आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो है प्रूनिंग का। ये समय ऐसा है जब आप गार्डन में हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह से प्रूनिंग कर सकते हैं। हमारी जो गर्मियों वाले जो परमानेंट फ्लावर्स हैं वो खिल चुके हैं या खिल रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग कम हो गई है उनमें। तो इस समय बहुत अच्छा समय है जब आप उनकी कटिंग कर सकते हैं, और कटिंग के साथ साथ प्लांट्स की कटिंग करने के साथ साथ उस कटिंग को हम अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं, कि मौसम इस समय इतना अच्छा है कि वो लग भी जाएगी कटिंग। अभी देखिए, अलमंडा की कटिंग मैंने की है, अभी मैंने कुछ प्लांट्स की है, कुछ की अभी कर रही हूँ। कभी कभी लालच आ जाता है ना फूलों को देख के, तो फिर हाथ रुक जाते हैं। खैर, कैसे भी हो, करना तो है ही है। तो आप इस समय कर सकते हैं कटिंग। अभी दो तीन दिन पहले मैंने अपने टिकोमा प्लांट की कटिंग की थी, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो और कटिंग करके हमने उसको लगा भी दिया। तो इस समय कटिंग लगने का जो रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा क्या, 100% ही कह लीजिए, तो पूरी तरह से कटिंग हमारे गार्डन में लग जाती है और आप एक से कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कटिंग के साथ साथ जो दूसरा काम होता है वो प्लांट्स के डिवीज़न का। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से बहुत ढेर सारे उसमें से ब्रांचेस निकल आते हैं, नए नए प्लांट्स निकल आते हैं। और इस समय जो कोलियस जैसे प्लांट्स की कटिंग लगाने का भी बहुत अच्छा समय है। तो ये दोनों ही काम आप अभी आसानी से कर सकते हैं। ये रोयो प्लांट की कटिंग करके एंड उसके डिवाइड करके मैंने छोटे छोटे कई कंटेनर्स में लगाए हुए हैं, आप भी उसको कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी प्लांट हैं आप उनको डिवाइड करके उनसे ढेर सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ गुलदावदी को भी आप, आपके पास अगर पुराना प्लांट है तो जड़ से अलग करके उसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद बारिश बहुत हो रही है, हो चुकी है, और हमारे गमलों में बहुत सारे वीड्स भी उगाते हैं। हम कई बार इनको निकाल पाते हैं, कई बार नहीं निकाल पाते, लेकिन अब इसको निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है बारिश में, और जब ये ग्रोथ लेने लगते हैं तो दूसरे प्लांट्स अपने एनर्जी इसमें सब इन्हीं वीड्स में ही लग जाती है, प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता, और छोटे छोटे जो वीड्स होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। इसके बाद जो चौथी बात आती है, इस बारिश में सारा जो हमारी गमले की मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है वो बह जाता है ऑलमोस्ट। तो इस समय जैसे ही बारिश बंद होती है, आपकी मिट्टी सूखती है गमले की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप उसको न्यूट्रिशन दीजिए। तो उसके लिए आप किसी भी तरह की जो आप खाद बनाते हैं वो दे सकते हैं, या ऑल इन वन फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिसमें सब कुछ मिला हो, और सबसे अच्छी है अगर आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र उसमें दें ताकि प्लांट्स का न्यूट्रिशन बरकरार रहे। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। अब उसके बाद जो पांचवी बात आती है वो ये है कि बारिश में बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे गार्डन में आ जाते हैं, मिलीबग या दूसरे तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स का बिल्कुल अटैक होने वाला होता है। तो उसके लिए आप बेकिंग सोडा और लिक्विड डिश वॉश कोई सा भी हो, आप उसको 2 लीटर के केन में आप एक एक चम्मच डाल के अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर दीजिए। और ये भी तब करिए जब बारिश ना हो रही हो। स्प्रे क्या करिए, प्लांट को पूरा अच्छी तरह से आप नहला दीजिए, पत्तियों के पीछे भी और ऊपर भी कोई हिस्सा छूट ना पाए, कहीं पर भी प्लांट पेस्ट का अटैक हो तो वो ख़त्म हो जाए,
मतलब वो आगे ना बढ़े, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो फिर उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बात आती है, आप जाड़े की सब्जियों की तैयारी भी इस समय कर सकते हैं। आप सीड्स लगा सकते हैं, देखिए मैंने सीड से टमाटर उगाए थे, अभी भी आप लगा सकते हैं, देर नहीं हुई है। और फिर अब ये हमारे देखिए ये सैपलिंग्स तैयार हो चुके हैं, अब इनको ट्रांसफ़र करने का भी टाइम है, हमने इसको ट्रांसफ़र कर दी है। आप बाज़ार से जो सैपलिंग्स ला के और उसको भी लगा सकते हैं। गोभी की पौध मैं बाज़ार से लेकर आई थी और उसको मैंने 12 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया है। तो ये समय है जब आप जाड़े की सब्जियों की भी तैयारी कर सकते हैं। आप पालक वगैरह जो है, मूली, पालक, मेथी, सब कुछ इस समय लगा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ फूलों के पौधे भी होते हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं। मेरा ये मेरे अपने आप उग गया था, एक बार लाई थी उसके बाद अपने आप उग जाता है, उनको भी हम इस समय लगा सकते हैं, और जिससे समय रहते ही हमें फूल मिल सके। तो ये कुछ ज़रूरी काम है जो हमें ज़रूर करना।